दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं। बोलिए अनंतानंद चतुर्मृष्टि भगवान की, बोलिए 1008 शिक्षक्र महामंडल विधान की, बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, गुरुवराज से पद्मनदी गुरुदेव की। धर्म के बिना ये जीवन खाली खोखा है, धर्म के बिना ये जीवन खाली खोखा है। जैसे बिना ब्रेक के गाड़ी चलाना धोखा है, धर्म की महिमा इस विधान से समझ लो, धर्म की महिमा इस विधान से समझ लो। क्योंकि धर्म को धारण करने के लिए अष्टांगी का पर्व अनुपम मौका है। धर्म को धारण करने के लिए विधान अनुपम मौका है। बंधुओं, कुछ अवसर हमको गॉड गिफ्ट से भी मिलते हैं और कुछ अवसर हमको पुरस्कार से मिलते हैं। तदुपरांत ये जीव अशांति के माहौल में जीता है। वैसे देखा जाए तो मानव जन्म जब मिला है, पिछले भाव के पाप कर्म के उदय से हमको दुख मिलना स्वाभाविक है, लेकिन उन दुखों को भी हंसकर सहन करने की शक्ति यदि मिलती है तो धर्म के माध्यम से ही मिलती है। गरीबी में जन्म लेना ये आपका दुर्भाग्य है, लेकिन गरीबी में मरण करना ये आपकी कमी है, ये आपकी कमजोरी है। क्योंकि आप यदि अपने भीतर धर्म रूपी धन को एकत्रित नहीं करते हैं, यदि आप अपने भीतर उस पुण्य रूपी धन का संचय नहीं करते हैं, तो इसमें दोष आपके पूर्व कर्म का नहीं अपितु इस भाव के पुरुषार्थ का है। जो आप पुण्य का संचय नहीं करते हैं और अपने आप को जानबूझकर दुख में ढकेलते हैं। बहुत से लोग अपने भूतकालीन बातों को लेकर टेंशन में रहते हैं, बहुत से लोग न जाने विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। संसारी जीव की दशा ऐसी है कि एक परेशानी को दूर करता है तो दूसरी परेशानी सामने आ जाती है, दूसरी परेशानी को दूर करता है तो तीसरी सामने आ जाती है। इस परेशानियों के जंजाल में, इस परेशानियों के जाल में ऐसा मकड़ी की तरह फंस जाता है कि वह चाहकर भी नहीं निकल पाता। जिस प्रकार से मकड़ी खुद अपने ही जाल में फंस जाती है, उसी प्रकार से संसारी जीव भी अपने ही द्वारा बनाए गए जाल में फंस जाता है। हमको यदि उस जाल से निकलना है, संसार रूपी सागर से यदि पार होना है, तो हमारे लिए ये जो पर्व है अष्टांग का पर्व है, ये जो विधान है सिद्ध चक्र महामंडल विधान, ये जो धार्मिक अनुष्ठान है, इस धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से हम उस शांति और सुख का अनुभव कर सकते। वैसे एक व्यक्ति एक महाराज जी के पास गया, बोला महाराज जी मुझे शांति चाहिए, सुख चाहिए, बहुत परेशान हो गया हूँ। महाराज जी ने बोला भाई क्यों, जिंदगी में बहुत से साधन है सुख के शांति के, लेकिन महाराज जी मुझे अभी तक सही शांति नहीं मिली। पहले मैं समझता था कि धन दौलत में सुख शांति मिलेगी, मैंने पहले 1000 पति था, फिर लखपति बना, फिर करोड़पति बना, अब अरबपति भी बन जाए तो भी मेरे को सुख शांति नहीं मिल रही। महाराज जी बताओ मैं क्या करूं। महाराज जी ने कहा भाई वेयर इज ट्रू हैप्पीनेस, वेयर इज सुख शांति, अब इसका मुझे एड्रेस दे दो कि सुख शांति कहाँ है। महाराज जी कहते हैं कि एड्रेस तो दे देंगे, लेकिन तू कहाँ कहाँ गया ये तो बता। वह बोलता है कि मैं मंदिरों में भी गया, मैं मस्जिदों में भी गया, मैं चर्च में भी गया, न जाने मैंने कितने धार्मिक स्थलों में भी गया, नई अनेक प्रकार की यात्राएं की, प्रकार की धार्मिक यात्राएं की, और अनेक प्रकार के मैंने
विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान किए, फिर भी अभी मुझे क्या नहीं मिली, शांति मैं समय से कर जी भी गया, गिरनार भी गया, हरिद्वार भी गया, काशी भी गया, मैं अष्टापद भी गया, बद्रीनाथ भी गया, और तो क्या बताऊँ मक्का मदीना भी जाके आ गया, लेकिन फिर भी मुझे सुख शांति नहीं। महाराज जी ने कहा भाई गजब होगी, तुझे तो कोई यात्रा नहीं छोड़ी, क्या करूं महाराज जी। मैं पहले समझता था कि धार्मिक यात्रा करूंगा तो मंदिरों में भी गया, मस्जिदों में भी गया, गुरुद्वारे भी गया, चर्च भी गया, तो भी सुख शांति नहीं मिली, पैसे भी खूब कमाए, लेकिन कहते हैं कि मनी कैन बाय बुक्स बट नॉट नॉलेज। पैसों के द्वारा किताब खरीद सकते हैं लेकिन ज्ञान नहीं खरीद सकते। मनी कैन बाय बुक्स, आप पैसों के द्वारा माइंड थोड़ी खरीद सकते हैं, दिमाग थोड़ी खरीद सकते हैं। मनी कैन बाय मेडिसिन बट नॉट हेल्थ, पैसों के द्वारा दवाइयाँ खरीद सकते हैं लेकिन स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। मनी कैन बाय फूड बट नॉट एपिटाइट, पैसों के द्वारा भोजन सामग्री खरीद सकते हैं लेकिन भूख को नहीं खरीद सकते। मनी कैन बाय मेनी टाइप ऑफ होम्स बट नॉट ए ट्रू हाउस, पैसों के द्वारा बिल्डिंगे बना सकते हैं लेकिन एक शाश्वत घर अपन नहीं बना सकते। मनी कैन बाय बेड्स बट नॉट ट्रू स्लीप, पैसों के द्वारा अपन बिस्तर खरीद सकते हैं डेवलप के लेकिन सुख की नींद। हाँ ये बात है, नींद की गोली जरूर आती है लेकिन वो नींद की गोली भी। ऐसे कहा जाता है सो जाते हैं फुटपाथ पर, सो जाते हैं फुटपाथ पर कागज बिछा कर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, गरीब लोग कभी नींद की गोली। नींद की गोली भी कौन खाएगा, तो पैसे वाले होंगे वही खाएगा, टेंशन उसी को रहती है। बंधुओं मनी कैन बाय लग्जरियस बट नॉट कल्चर, पैसों के द्वारा संस्कृति को नहीं पा सकते। मनी कैन बाय एम्यूजमेंट बट नॉट ट्रू हैप्पीनेस, पैसों के द्वारा अपन सच्ची सुख प्रसन्नता भी नहीं खरीद सकते। कबीर कहने का भाव ये है कि मुझे पैसों से भी सुख शांति। अब आप देख लीजिए चाहे कोई कितना भी पैसे वाला हो, एक बार क्या है बिड़ला कंपनी से जो उनके चेयरमैन थे या प्रमुख थे वो दर्शन करने आए थे, तो दर्शन कर आए तो आशीर्वाद दिया, बस इससे थोड़ी बहुत बात हुई तो वहाँ के जो कमेटी के लोगों ने उनका स्वागत किया, फिर जो भी मेहमान आता है तो सबको भोजन सारा ले जाते, उनको भी बोला कि हमारे आतिथ्य को स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं नहीं वो बोले कि नहीं नहीं हम यह भोजन नहीं करते, बहुत निवेदन करने लगे कि भाई इतनी बड़ी कंपनी है जिसका पूरे वर्ल्ड में नाम है बिड़ला सीमेंट के नाम से, और उसका जब कोई मालिक आया है तो सब जने के कि नहीं थोड़ा बहुत तो ले लेते, सब जने जिद करने लगे, जो भी वहाँ के ट्रस्टी थे अध्यक्ष आदि सब आ गए थे। हमने भी कहा भाई, फिर वो धीरे से हमारे पास बोलता महाराज जी मैं आप कहाँ भेज रहे हो, मैंने कहा जो भी है समाज बुला रही है चले जाओ प्रसाद ले लो। महाराज क्या प्रसाद लूँ मैं तो सब बंद है, क्यों वो दुनिया भर की बीमारी गिनाने लगा, ये बीमारी वो बीमारी ये बीमारी, मेरे शुगर है मेरे ये है, मेरे शक्कर नहीं चलती, मेरे नमक नहीं चलता, मेरे घी। मैंने कहा भाई क्या चलता है हमको तो बता, वो व्यवस्था करें कुछ तो खाते हो। महाराज जी मैं तो सिर्फ दाल का पानी पीता हूँ बस, बिना नमक का बिना मिर्ची का। मुझे गजब होगी, मैंने कहा तू तो अरबों खरबों रुपए कमाए, वर्ल्ड में दूसरा तीसरा नाम है तुम्हारा बिड़ला, उस समय नाम था बिड़ला का, अभी तो पता नहीं कौन सी पोस्ट पर है। नहीं तो मैंने कहा कि इतने पैसे कमाए तुमने, वो भाई पैसे अलग चीज़ है स्वास्थ्य अलग चीज़, हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं। मैंने कहा इससे अच्छा तो यही सामान्य लोग ही अच्छे मध्यम वर्ग जो कम से कम आराम से दाल बाटी चूरमा तो खाते हो,
है, आराम से दो टाइम की रोटी तो खाते, इतना पैसा कमा के भी तो दाल का पानी पी रहा है। इससे अच्छा तो राम पब्लिक ही है, परंतु तुम अरबों खरबों रुपये और कितना पूरे वर्ल्ड में नाम है तुम्हारा, इतना पैसा कमाया और इतना पैसा कमाने वाला मालिक भी दाल का पानी पी रहा है। दाल का पानी तो कौन पीता, कितना बीमार हो, सोचने की बात है कि कितनी बीमारी थी उसको, डॉक्टर ने कह दिया सिर्फ दाल का सूप, दाल भी नहीं पी सकता उसका पानी, और वो भी बिना नमक मिर्ची का, बिल्कुल मसाला नहीं, और ऐसा पानी पी के वो अपनी ज़िंदगी निकाल रहा। तो हमने कहा कि पैसा होना अलग चीज़ है और सुख शांति मिलना अलग चीज़ है। इतने पैसे कमा कर भी तू ढंग से खा नहीं पा रहा है, दो टाइम की रोटी नहीं खा पा रहा है, इससे अच्छा तो ये आम पब्लिक की अच्छी जो आराम से दोनों टाइम भरपेट भोजन तो करती है। तो ये आम आदमी ये चाहता है कि मैं करोड़पति बनूँ, अरबपति बनूँ, और जब करोड़पति अरबपति बन जाते तो और अशुभ शांति छा जाती। तो बंधुओं ये सोचने की बात है कि चाहे कोई कितना भी अरबपति बन जाए, कितना बड़ा क्रिकेटर बन जाए, कितना बड़ा एक्टर बन जाए, लेकिन सुख शांति मिलना अलग चीज है, और यश कीर्ति नाम धन दौलत मिलना अलग चीज है। यदि आपको ट्रू हैप्पीनेस चाहिए तो वो पैसों से नहीं मिलेगी, यदि आपको सच्चा सुख चाहिए तो वो बाहरी दुनिया से नहीं मिलेगा, किससे मिलेगा, धर्म करने से मिलेगा। ये आम आदमी भी जानने लग गए, इसलिए तो चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो, अभिनेता हो, वो लोग भी भगवान और गुरुओं के चरणों में झुकते हैं, इसलिए कि उनकी भी एक मनोकामना रहती है कि जिंदगी में हमको भी सुख शांति मिले। चाहे कोई कितना भी बड़ा राजा क्यों ना हो जाओ, चाहे कोई कितनी भी बड़ी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति क्यों ना बने, लेकिन सच्चा सुख और शांति कहाँ मिलती है, सब लोग इसकी खोज में लगे। महाराज जी मैं तभी तो आपके पास आया हूँ, मुझे बताओ इसका एड्रेस कहाँ है। महाराज ने कहा तू इस जगह आके से गया, पूछते पास से आ गया। मुझे पता चला कि महाराज जी सभी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं शाम को, तो मैं आपके पास शाम को तो सबके बीच में तो पूछने नहीं आया हूँ, मैं आपसे अकेले में पूछने आया हूँ, मुझे एड्रेस बता दो, मेरे को किधर सुख शांति मिलेगी वो बता दो। मैंने कहा बात तो सही है, अभी तक सही एड्रेस नहीं मिला। मैंने कहा सुखलाल जी जरूर मिल गए होंगे, शांति देवी जरूर मिल गई होंगी, लेकिन वो शांति देवी सुखलाल जी नहीं, महाराज जी मुझे वो आत्मा का सुख चाहिए। अच्छा मेरे वो आत्मा का सुख चाहिए क्या, उसका एड्रेस चाहिए जो भीतर से मेरे को प्रसन्नता हो, शांति मिले सुख। मैंने कहा कि भाई तू इस शहर में है तो वो बीच में क्या, मैंने कहा वो मिला तालाब, मिला या तालाब मैंने क्या नाम उसका, सरोवर, सरोवर के पास में बसा नहीं इसे है, कौन सा तालाब है, पानी कौन सा है, बिशनपुर का ही है क्या, बिशनपुर का पानी है। तो महाराज जी ने कहा कि भाई तू पास वाले तालाब में चले जा, वहां पे तेरे को सुख शांति मिले। अरे महाराज जी आप भी काम में इसको, मैं शिमला घुमाया, फतेह सागर झील उदयपुर की घुमाया, और आप तालाब में भेज रहे हो क्या है, कन्याकुमारी जाकर आ गया, कन्याकुमारी गोवा जाके आ गया समुद्र के तट पर, और आप तालाब में भेज रहे हो। महाराज ने कहा मैं तेरे को पानी के किनारे कोई मौज मस्ती के लिए नहीं भेज रहा हूँ, मैं तो भेज रहा हूँ तेरे को सुख शांति का एड्रेस चाहिए ना, हाँ इस वाले तालाब में मिल जाएगी, क्या बात कर रहे हो। महाराज जी आप मजाक तो नहीं कर, महाराज ने कहा मजाक नहीं करो, सुख शांति का एड्रेस चाहिए ना तेरे को। महाराज जी आपका एड्रेस क्या है, ताकि मेरे को नहीं मिले तो फिर वापस आऊँ तो आपका फिक्स एड्रेस बता दो। तो महाराज जी बोले भाई जिसके तन पर कोई ड्रेस नहीं उसका कोई एड्रेस, जिसके तन पर कोई ड्रेस नहीं उसका कोई एड्रेस नहीं है। हम तो चलते भले आज यहाँ तो इस गाँव, कल उधर जाएंगे, तो फिर भी महाराज जी
कोई एड्रेस, चलो सुख शांति का एड्रेस ही ना चले जाए थोड़ा। और भूल गए महाराज से तो क्या तर्क करें, महाराज की हर बात में कुछ ना कुछ रहस्य छिपा रहते हैं। कई बार कोई व्यंग्य में भी रहस्य छिपा रहता है, कोई हास्य में भी तत्व छिपा रहता है। सोचा महाराज की बात से तर्क क्या करें, करना क्या पड़ेगा, वहां पर कोई भी मछली उछली मिलेगी ना तालाब में, वहां पर तालाब में भी बीच में एक वहां पर है तालाब जहां पर मछलियों को मारना मना है, ये तालाब आता है हमारे अभी बिहार में आया था, खूब बड़ी बड़ी मछलियां थी उसमें, इतनी बड़ी बड़ी थी ना, वहां पर लिख रखा है वो ये मछली को नहीं मारेगा और इतना दंड होगा। हम भी उस तालाब के किनारे से आए थे, देखा था कि बड़ी बड़ी मछलियां उसमें कम हिलोरे ले रही है। महाराज जी ने कहा तालाब में जाकर मछली से पूछ लेना तू, हाँ मछलियों से पूछ लेना कि एड्रेस क्या है, जो कम महाराज जी। अब महाराज को क्या बोले, महाराज मजाक करे क्या करे। वो व्यक्ति पहुंच गया मछली के पास, तालाब के किनारे, बोला देख भाई मुझे तो विश्वास नहीं है कि मुझे यहाँ सुख शांति मिल जाएगी और नहीं मेरे को यहाँ पर कोई एड्रेस मिलेगा, फिर भी महाराज के कहने से आया हूँ। एक मछली, उसने थोड़ा आटा डाला तो एक मछली थोड़ा मुंह निकाल के मारे, उसने कहा मारे ज्यादा देर तो बस हल्का सा ही रोले मछली, उसने कहा मछली मेरी बात सुन, सुख शांति का एड्रेस का है मुझे महाराज जी ने भेजा। अब इतने में चमत्कार हो गया, जो मछली कुछ बोलती नहीं वो मनुष्य की भाषा में बोलने लगी, और मनुष्य की भाषा में क्या बात है मानव क्यों है, अरे ये बोल रही है बात कर रही मछली के पास है, एक मछली मेरे को महाराज जी ने भेजा है सुख शांति का एड्रेस बता दो, ताकि क्या मेरे को जिंदगी भटक रहा हूँ यंत्र तंत्र लेकिन मुझे सुख शांति नहीं मिली। ठीक है तेरे प्रश्न का उत्तर मैं दे दूंगी, खुश होकर मछली के पास इसका उत्तर बता इसका उत्तर बता। उसने कहा मैं उत्तर तो बता दूंगी लेकिन पहले मेरा एक काम करना पड़ेगा। तेरा क्या काम आ गया, अब तेरा भी काम करना पड़ेगा, हर आदमी को कुछ ना कुछ आता है, हाँ बोलो तो सही क्या काम है। मुझे बहुत ही जोरों से प्यास लगी, कौन बोलते मछली बोलती है मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी थोड़ा पानी पिला दे, हाँ पानी लेके, अरे पानी तू पानी के अंदर ही तो है, मेरा खुद का आधा शरीर तो पानी के अंदर है, तू भी पानी के अंदर और तू के लिए प्यास लगी तेरे लिए पानी, वो जोर जोर से हंसने लगता है। वाह रे वाह, मैं तो सोचा मछली ज्ञानी होगी ये भी पागल निकली, वो जोर जोर से हंसने लगता है। तो मछली कहती कि आप क्यों हंस रहे हो, व्हाई आर यू लाफिंग। उसने कहा मछली हंसू नहीं तो क्या रो, मैं हंसने जैसी बात ही है, जल में मीन प्यासी सुन सुन कर आवे हंसी। वो समय सार में आत्मख्याति की टीका लिखी ना अमृतचंदाचार्य, और फिर उन्होंने वो पंडित जी ने उसके ऊपर छप बनाया तो क्या लिखा उन्होंने, जल में मीन प्यासी सुन सुन कर आवे हंसी, हसुने तो रो तो ये पानी के भीतर, पानी तेरे भीतर, और तू कहती है कि मुझे पानी ला के दे, अब तेरे जैसा मूर्ख तो मैंने कहीं देखा नहीं। मछली मैंने तो बचपन से सुन रखा मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ऐसा मैंने बचपन से सुन रखा है। और वास्तव में जल की रानी कहा भी जाता है, मछली का शरीर ही ऐसा होता है कि पानी उसके अंदर और वो पानी के अंदर, उसका जन्म भी पानी में मरण भी पानी में सब कुछ पानी के अंदर ही। जिस प्रकार से आप चलते हैं सड़कों पर पृथ्वी पर वो कहाँ चलती है, पानी में चलती। और मछली का ही उदाहरण क्यों दिया, द्रव्य संग्रह में सिद्धांत चक्रवर्ती हेमीचंद्र आचार्य ने तोयम जय मच्छाणम का उदाहरण दिया, धर्म द्रव्य का उदाहरण दिया। मछली का उदाहरण ज्यादा क्यों आता है, क्योंकि मछली में और भी ज्यादा विशेष तरह पानी का बहाव यदि पूर्व से पश्चिम की ओर है तो मछली कितना भी तेज बहाव उसमें वो पश्चिम से पूर्व की ओर भी जा सकती,
उतनी गति से, समझ में आ रही बात ठीक से। दूसरी बात, एक बार हमने देखा झरना नहीं होता, झरना जिसको अपन जल प्रपात कहते हैं, नहीं तो वह झरना में क्या होता, पानी ऊपर से क्या गिरता है, ऊपर से नीचे गिरता है। मछली में ये विशेषता है कि वो ऊपर से नीचे गिरने वाले पानी में भी नीचे से ऊपर चले जाती है, उसी पानी के साथ। देखा आपने जो पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है वो उसी पानी में नीचे से ऊपर चले जाता है, क्योंकि उसके लिए जाना भी पानी में, इसलिए उसको जल की रानी कहा जाता है। जैसे अपन सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, सीढ़ियाँ चढ़ के छत पर जाते हैं, मछली उस पानी के सहारे ऊपर चढ़ जाती है। ये तो आप लोगों ने अगर देखा हो, नहीं देखा तो मैं नहीं, तो इसलिए उसमें एक विशेषता है, इसलिए उस मछली को जल की रानी कहा। उसका शरीर ऐसा होता है कि पानी उसके अंदर चले जाता है, और मुझे समझ लो कि पानी नुमा ही उसका शरीर हो गया, और वो मछली कह रही है कि मुझे क्या लगी है, प्यास लगी है। तो सुन सुनकर उसको हंसी आती है, मछली कह रही हसले हसले हंसूंगाई, तेरे जैसे पागल प्राणी मूर्ख प्राणी से सामना हुआ तो हंसूंगाई, किस बात के लिए हंस रहा है, बात ही तूने ऐसी की, पानी तू पानी के अंदर, पानी तेरे अंदर, और तू कितनी प्यास लगी है, तो मेरे पर तो हंस रहा है इंसान, पहले तू खुद पर भी हंस, मैं क्यों हंसू, मैंने क्या किया, मैं तो महाराज के कहने से आया हूँ, क्या कहा महाराज जी ने, मछली से जा, किसके लिए आया तू, मेरे को सुख शांति चाहिए, सुख शांति का एड्रेस दे, तो तू मुझ पर हंस रहा है, मैं तेरे पर हंस रहा, सुख शांति का एड्रेस ही है, मैं पूरी जिंदगी निकल गई ढूंढते ढूंढते। तो मछली कहती है कि रे मानव, तो मेरे पर हंस रहा है कि पानी मेरे भीतर है और मैं प्यासी हूँ, तो फिर खुद पर हंस कि सुख शांति और कहीं नहीं, तेरी आत्मा के भीतर है, बाहर खोज रहा है लेकिन कभी तूने अपने भीतर, तो एकदम उसको सदमा सा लगा, रही ये क्या बोल दिया, अभी तक तो मैंने सिर्फ बाहर ही खोज ली लेकिन कभी अंदर, तो तेरे भीतर ही सुख शांति का सागर है, सुख का सागर है, तो अपने भीतर जाकर दे। तुरंत वह समझ जाता है और उठकर सीधा महाराज के पास आता, महाराज जी मैं समझ गया आपने मछली के पास क्यों भेजा। तो महाराज जी ने कहा कि देख, भगवान गुरु विधान ये सब तो निमित्त है, लेकिन तेरे भीतर ही पहले तेरे को एक इच्छा उत्पन्न करनी पड़ेगी, तेरे भीतर ही सुख का सागर है, तेरे भीतर ही शांति का सागर है, तो उसको ढूंढ। वो व्यक्ति समझ गया कि अभी तक गलती क्या कर रहा था, मैं बाहर ढूंढ रहा था लेकिन अपनी आत्मा के भीतर, हमारी आदत क्या है, हम दूसरों को देखते हैं लेकिन कभी खुद की ओर देखने का पुरुषार्थ नहीं, हमारी उंगली भी यूं रहती है, एक उंगली रहती है लेकिन ये नहीं देखते कि तीन उंगली किसकी साइड है, किसकी साइड है, हमारी साइड। तो उस ओर हम कभी भी ध्यान नहीं देते, तो ध्यान देने की जरूरत है कि एक उंगली सामने और तीन उंगली, इसका मतलब ये होता है कि 25% दूसरों की तरफ देखना चाहिए और 75% अपनी ओर देखना चाहिए। और अपन क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, 90% दूसरों की ओर या 99% ये आदत है। बंधुओं अभी ऊपर ही बच्चा था, तलपट सूझ कई बार पूजा चल रही थी, वो दर्पण में वो तिलक लगाते क्या करते, तो दर्पण को एक बच्चा रगड़े जा रहा था, मैंने कहा दर्पण को क्यों रगड़ा, मारा दर्पण में दाग है, मैंने कहा दाग दर्पण में नहीं तेरे चेहरे पर है, दर्पण दर्पण को रगड़े जा रहा है, तो उसने कहा हमारा दाग सही बात, तो अपन क्या अपने खुद का तो दाग देखते नहीं, वो दर्पण को साफ करने में लगे, दर्पण तो जैसा चेहरा होगा वैसा दिखाएगा,
अपने चेहरा ही अगर दाग युक्त है तो दर्पण भी दाग युक्त दिखे। तो हम क्या है, अपनी आत्मा को नहीं देखते, आत्मा को देखने के लिए हमको पुरुषार्थ करने की जरूरत है और वह पुरुषार्थ अपने स्वर्ग शुभ होने कर सकते। बंधुओं, आचार्य कुंद कुलदेव ने भी समय सार में कहा है, 50 नंबर की गाथा में, हमको जो भी दिखाई दे रहा है वह सब एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है, वह सब बाहरी प्रति है, उद्गल तत्व है। यदि सच्चा तत्व है तो कोई जीव तत्व है और वो इस चक्षु इंद्रिय से नहीं दिखेगा, उसके देखने के लिए ज्ञान रूपी चक्षु चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान रूपी चक्षु चाहिए तो देखे। जीवस नथि वर्णो नवि गंधो नवि रसो नवि फासो न रूहम न शरीरम न संतानम से न। आचार्य कुंदकुंदे कहते हैं कि आत्मा में खोज करने से पहले आत्मा का, जैसे हमारे सांप को पूछते ना, कि एक जने ने पूछा कि आत्मा का चिंतन कैसे है। आत्मा का चिंतन करने के लिए अपन को परिभाषा समझनी पड़ेगी कि जो हमको दिखाई दे रहा है, इन दिस पर्सन देयर इज नो बॉडी, बॉडी भी नहीं है, नो स्मेल भी नहीं है, नो टेस्ट भी नहीं है, नो वर्ड नहीं है, नो टच भी नहीं है, नो विजिबल फॉर्म भी नहीं है, नो स्केलेटल स्ट्रक्चर, किसी प्रकार की शारीरिक संरचना भी इस बॉडी के भीतर नहीं है। ऐसी हमारी मतलब आत्मा में नहीं है, आत्मा उस बॉडी से एकदम अलग है, लेकिन हमने उसका चिंतन नहीं किया। और बस जो अमेरिका के वो वैज्ञानिक नहीं, चारवा बस उसने बोल दिया, खाओ पियो मौज करो, देर इज नो सॉल, देर इज नो पुनर्जन्म। वैज्ञानिक लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, इसके लिए वो एक ही सिद्धांत करते हैं, खाओ पियो और मौज करो। फिर क्या दशा होती, खाओ पियो मौज करो में पता भी नहीं चलता कि उनकी मरण भी बिगड़ता, जिंदगी बिगड़ जाती है। तो बंधुओं, फॉरेनर तो इंडिया में आ रहे हैं सुख शांति की तलाश के लिए, और हम लोग सोच रहे हैं कि फॉरेनर जैसी जिंदगी हो। अपने तो धर्म मिल रहा है, समय समय पर विधान मिल रहा है, गुरुओं का समागम मिल रहा है, ये अच्छी पर्याय है। क्योंकि उदयपुर में जब चतुर्मास था तो डेली कोई ना कोई पर्यटक और फॉरेनर आते थे हमारे पास, और सब लोग कहते थे महाराज जी हमको सुख शांति चाहिए। मैं कहता हूँ, एक बार जब ऋषभदेव में चतुर्मास था तो इटली से प्रोफेसरों का दल आया, 3 दिन तक रुका, उसमें से क्या आधे को तो फ्रेंच भाषा आती थी और आधे को तो इंग्लिश भी नहीं आती थी। फिर 2-4 स्पेशल प्रोफेसर बुलाए तो इंग्लिश जिसको जानते थे, फिर इंग्लिश के माध्यम से समझाया कि व्हाट इज जैनिज्म और क्या सुख शांति का है। तो वो लोग तरस थे। हम जब राजकोट में थे गिरनार यात्रा पे, तो जापान से टूरिस्ट बस आई, तो वो बीच में रास्ते में खड़ी हो गई। हम जब बिहार कर रहे थे, हाउ इज पॉसिबल, व्हाट इज सरप्राइज, वो सब जने चारों तरफ खड़े हो गए घेर के, और आधे घंटे तक हम सड़क पर बातचीत की कि क्या सुख शांति चाहिए, हम जापान से आए इंडिया। हम मैंने कहा भाई जापान में सुख शांति नहीं मिली इसलिए इंडिया है। फिर उन्होंने पूछा कि आप ऐसे रूप को धारण किए हुए हैं, ये पॉसिबल कैसे है, कि सब समझाया। तो इतने प्रभावित हुए कि वो लोग तो इसी के लिए तो आते हैं। तो बंधुओं, कहने का भाव यही है कि फॉरेनर लोग भी, अभी हम जब पुष्कर गए थे अजमेर के पास, पुष्कर नहीं, वहाँ पर पुष्कर के तो घाट नहीं होती, घाट पर जब प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन तो कर रहे थे हम वहाँ की जनता को सुनाने के लिए, और आगे से फॉरेनर, क्यों वहाँ पुस्तक का मेला लगा हुआ था, कुछ था वहाँ पे आगे से जब हम जा रहे थे ना ब्यावर से, ब्यावर के आसपास जब रहे थे वहाँ पे आगे, तो फिर वो तो उनके प्रश्न पूछने लग गए। तो मतलब कहने का भाव ये कि मैंने देखा कि उन फॉरेनर को चाहिए कि वो भी खोज रहे कि कहाँ सुख शांति मिले, किधर हमको धर्म की सही परिभाषा मिले। तो बंधुओं, आप लोग सोचो कि जब वो लोग तो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने ज्ञानी हैं, और कितना आगे उनकी ज़िंदगी है, इंडिया से 25 साल आगे जीवन जी रहे हैं, वो लोग भी सुख शांति के लिए भटक रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन के लिए भटक रहे हैं, और हम लोग हैं जो हम अपनी ज़िंदगी सही ढंग से अपन को जीने का मौका मिला है तो भी अपन उस आत्मा से दूर जाए। हमको जिनवाणी मिली है, गुरु मिले हैं जो आत्मा का स्वरूप बताने वाले हैं,
समय समय पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान आदि जैसे अनुष्ठान हो रहे, लेकिन हम उस अनुष्ठानों के माध्यम से उस आत्मा की परिभाषा नहीं जान पाते हैं, फिर वापस अपन भटकते रहते हैं। तो फिर वेयर इज ट्रू हैप्पीनेस, किधर है सुख शांति बताइए, कहाँ पर है? बस वहां पर खोजने की जरूरत है। थोड़ा सा अपन अकेले में बैठे या सत सानिध्य में बैठकर आत्मा की ओर दृष्टि करें, नहीं तो दादाजी का चश्मा नहीं मिल रहा था, पोते को दौड़ा रहे थे, पोता आया बोला दादाजी दादाजी आप मुझे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, चश्मा चश्मा तो आपकी जेब में ही पड़ा है। तो दादाजी भी टेंशन में आ गए, उनकी जेब में चश्मा, जेब का चश्मा दादाजी को नहीं दिख रहा, अब तो पोते को वहाँ से ऐसी हालत हो जाती नहीं होती। अभी यहाँ पर आपके बस स्टैंड एक महिला अभी मेला लग रहा था, वहाँ पे ये खाटू श्याम जी मेला लग रहा, ऐसे मेले लगते नहीं था, लाखों लाखों की भीड़ आती है। एक महिला की इच्छा हुई कि मैं भी जाऊँ मेले में, घर से निकली तो उसके आधा दर्जन बच्चे थे, मतलब अब वो अपने बच्चों जिद करने लगे हमको भी मेले ले जाओ, अब वो कि मेले ले जाओ तो बच्चों की हट जिद, चलो मेले घुमा ले, अभी मेला चल ही रहा है। तो जैसे वो अपने सभी बच्चों को लेके गई और बच्चों को लेके गई तो वहाँ पर पूरे दिन भर कुछ खिलाया पिलाया और बच्चों को क्या कुछ चीज़ें दिला दी और कुछ खिला दिया, कुछ खेल खिला दिया, घुमा दिया, बच्चे खुश। बास को शाम को अपने घर आने लगी, बस में बैठने लगी तो बच्चे गिनते लूँ वो पूरे है, गिनने लगी तो एक बच्चा कम, एक दो तीन चार पाँच, तो वही बस स्टैंड ही रोने लग गई वो, अरे मेले में मेरा बच्चा खो गया। तो भाई बस ड्राइवर कंडक्टर ने कहा भाई जल्दी बैठो, बैठना तो रो क्यों रही हो। तो इतने में एक लेडीज उतरी बस में से, अरे तेरे को उस गाँव जाना है, मैं भी उसी गाँव की हूँ, बैठना है, मेरा एक बच्चा नहीं मिल रहा, कितने बच्चे लेके निकली थी तू? पूरे 6 बच्चे थे, आधा दर्जन। तो गिनती 1 2 3 4 5, छठा बच्चा उस माँ की गोद में ही था, एक चाटा मारते माँ को, तेरी गोद का बच्चा नहीं बिक रहा, गांव में छोरा और पूरे बस स्टैंड पे ढिंडोरा कर दी, बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा है काम। तो उसको सबसे बंद हुआ, इससे जब अपन को गोद का बच्चा नहीं दिख रहा, नाक का चश्मा नहीं दिख रहा, तो आत्मा कैसे दिखेगी? इसलिए अब थोड़ा सा जरूरत है कि अपने भीतर देखने की, उसके लिए आयोजन किया है। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी लोग अच्छी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। अब हमारे लिए तो ऐसा नया नहीं रहा, काफ़ी लोग मुझे अच्छे भी लगे और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा ये शहर जुड़ा है, चाहे वो किसी भी मंदिर में जाता हो, चाहे कितना ही दूर रहता हो, या तो 2 3 4 उससे ज़्यादा दूरी पर तो और कौन रहता हो, सिटियों में तो लोग 10-10 किलोमीटर दूर से, अहमदाबाद में तो रोज 15-15 किलोमीटर दूर से लोग विधानों में आते थे। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर सभी लोग रोज इस विधान में उपस्थित हो रहे हैं और सभी लोग जुड़ रहे हैं, सभी को एक अपनत्व भाव सबको जागृत हुआ है। हम तो यही चाहते हैं कि पूरे शहर में संपूर्ण समाज एकजुटता का परिचय देते हुए इस विधान को संपादित कर रही है और इसी तरह से विधान उत्सव को छिएगा और जब इसका समापन होगा तो निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश पूरे शहर में देगा। तो इस विधान के माध्यम से हम अपनी आत्मा को देखें और किसी को नहीं देखें, अपनी आत्मा को देखकर अपन स्वयं को सुधारने का प्रयत्न करें। इसी मंगलमय भावना के साथ, धर्म के बिना ये जीवन खाली खोखा है, जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी चलाना धोखा है, धर्म की महिमा तो इस विधान के माध्यम से पता चलती है। बंधुओं, धर्म के लिए ये विधान और ये अष्टानी का पर्व और मनुष्य जीवन ही अनुपम मौका है। बोलिए अष्टानी का महापर्व की।